प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पास्का के छठवां रविवार में हैं। वह कौन सी चीज है जो हमें वास्तव में इंसान और भगवान की तरह बनाता है? क्या यह बिना शर्त प्यार नहीं है, जो कि निस्वार्थ है और दूसरों की भलाई के लिए निर्देशित है? यह ईश्वर का प्रेम है जो हमें निष्ठा और मित्रता के अटूट बंधन और अन्य लोगों के साथ समुदाय में एकजुट करता है। आज का पहला पाठ में हमने सुना किस तरह फिलिप समीरिया शहर में उतर गया और उसने यीशु मसीह की घोषणा की। फिलिप ने जो कहा, भीड़ ने बड़ी उत्सुकता से उसकी बात सुनी। उन्होंने उसके उपदेश और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में सुना था। यहाँ तक कि अशुद्ध आत्माएं कई लोगों से बाहर निकली और जो लकवाग्रस्त या लंगड़े थे वे ठीक हो गए, इसलिए उस शहर में बहुत खुशी थी। जब प्रेरितों ने फिलिप के महान कार्य के बारे में सुना तो उन्होंने पीटर और जॉन को उसके पास भेजा। उन्होंने उन पर हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा उस पर उतरा। दूसरा पाठ में पत्रस हमें बताता है कि हमें नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने विश्वास को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह बताता है कि हम अपने मन और अंतःकरण को साफ रखें और अच्छे काम करने के लिए तथा कष्ट सहने के लिए तैयार रहें। आज के सुसमाचार में यीशु हमें बताते हैं, यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं। हम उनकी आज्ञा मानकर ईश्वर के प्रेम को सिद्ध करते हैं। पहला ईसाई समुदाय हृदय और आत्मा में एक साथ एकजुट था। यह परमेश्वर का प्यार था जो उन्हें एक साथ लाया था। वे सभी जो विश्वास करते थे एक साथ रह रहे थे और उन्होंने सामान साझा किया। सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने कहा, यह अच्छा नहीं है कि मनुष्य अकेला हो। हम प्रेम में रचे बसे थे। प्रत्येक मानव समुदाय को प्रेम करने वाले व्यक्तियों का समुदाय होना चाहिए। जॉन हेनरी न्यूमैन ने कहा, हम प्यार करते हैं क्योंकि यह प्यार करना हमारी प्रकृति है, और यह हमारी प्रकृति है क्योंकि पवित्र आत्मा ने इसे हमारा स्वभाव बनाया है। यीशु में हम परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता देखते हैं। इसमें ईश्वर का प्रेम हमारे बीच प्रकट हो गया था, क्योंकि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि हम उसके माध्यम से जीवन पा सकें। हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं? क्रूस में हम परमेश्वर के प्यार का प्रमाण देखते हैं, और परमेश्वर ने हमें पाप, मृत्यु और शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए अविश्वसनीय कीमत अदा की है। यीशु ने अपना जीवन त्याग दिया कि हमारे पास जीवन बहुतायत में हो सकता है। प्रेम और एकता का यह जीवन हमेशा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। यीशु अपने शिष्यों को पिता की इच्छा के आज्ञाकारित्व के माध्यम से अपने प्यार के रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं। सच्चा प्यार भावना या अच्छे इरादे से अधिक है। वे सच्चे प्रेम के प्रमाण नहीं हो सकते। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए व्यक्त किया जाता है, और प्रेम में आज्ञाकारिता व्यक्त की जाती है। हे ईश्वर, आप शांति के स्रोत हैं, प्यार का समुद्र हैं, आशीर्वाद का झरना हैं और स्नेह का दाता हैं, जो इसे प्राप्त करने वालों को शांति भेजता है। इस दिन हमें अपने प्यार के समुद्र के लिए खोलें, अपनी कृपा के धन से और अपनी कृपा के सबसे मीठे झरनों से प्रचुर मात्रा में जल धाराओं से भर दें। हमें शांति की संतान बनाइए। अपने प्रेम की अग्नि में हमें जगाओ। ईश्वर के भय का बीज हम में बोना,
अपनी शक्ति से हमारी कमजोरी को ताकत देना, हमें आपके साथ और एक दूसरे के साथ मिलकर जीना सिखाओ।